गाइस कैसे हो आप लोग दोस्तों। मैं हूं कॉरेस्पॉन्डेंट, आप देख रहे हैं न्यूज़ मेकर सेल्फ यूनिक। गाइस आप सबको पता है कि मैं अभी बहुत ढेर सारे बच्चों की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, उनकी प्रोफेशनल जर्नी, उन्होंने क्या क्या किया और कैसे वो अपनी जर्नी में अचीव अपने टारगेट्स को अचीव किए। ऐसे ही जर्नी में आज मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर अशफाक को लेके आया हूँ। अशफाक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ये बीम में अपना करियर बनाए हैं। आज इनकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे उन्होंने बीम में अपने करियर को एस्टेब्लिश किया। उसके साथ ही साथ अगर चाहेंगे तो इनकी पर्सनल जर्नी भी जाएगी, बट पर्सनल जर्नी पे मैं नहीं चाहूंगा, मुझे प्रोफेशनल जर्नी की नीड है। सो दैट कि आप लोग को समझ में आए कि यार अगर अशफाक कर सकते हैं तो क्यों नहीं मैं भी कर सकता हूँ। अशफाक तुम्हारा स्वागत है यूनिक सिविल प्लेटफॉर्म पे। ओके अशफाक थोड़ा सा अभी बाहर है इसलिए आप लोग को बता दो कि वीडियो ऑन करना पॉसिबल नहीं है, विल मैनेज बाई ऑडियो और आई थिंक आपके लिए ऑडियो सफिशियंट रहेगा। चलिए अशफाक थोड़ा अपना पास आउट ईयर बताना, पास आउट ईयर क्या है तुम्हारा? 2019 और उसके बाद की थोड़ी सी जर्नी, उसके बाद का एक्सप्लेन कर देना अपना। ओके सर मैं पास आउट हुआ 19 में। बाद में सर की तरह हमें भी एक एम्बिशन था गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन करने का। ओके बाद में फिर हैदराबाद को गया कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस और गेट एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए। उसके बाद एक 6 महीने ट्रेनिंग होने के बाद, और आपको पता है लॉकडाउन हो गया 2021 में, घर में था स्टेट एग्जाम्स प्रिपरेशन जाने का। बाद में वो जो जर्नी है सर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, जो माइंड जो लॉकडाउन में घर में सिर्फ अकेले बैठे पक गए थे, बहुत हाँ सर बहुत फ्रस्ट्रेशन, जो एग्जाम का डेट भी अनाउंस नहीं होता, पोस्टपोन्ड होता रहता है। ये नहीं कि कर सकते गवर्नमेंट एग्जाम, लेकिन कुछ लोग को नहीं होता कि उसमें भी मैं एक्सेप्ट करना होगा, मेरे से नहीं होगा गवर्नमेंट एग्जाम। जो आफ्टर मैंने टारगेट किया था कि देखते एक साल दो साल गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं, बाद में देखते करके इससे एक साल दो साल, और लास्ट 2021 दिसंबर आई थिंक लास्ट एक स्टेट एग्जाम था हमारा कर्नाटक का। वो एग्जाम देने के बाद मैं डिसाइड किया कि नहीं हो गया, चल देखते अब जॉब देखते हैं सिविल का। बाद में सर्च कर रहा था क्योंकि देख रहा था दोस्त लोगों का साइड काम करने को, देख रहा था बोलते थे कि बहुत लोग स्विच करते थे अभी सिविल छोड़ के आईटी फील्ड जाके कोडिंग या साइबर सिक्योरिटी, लेकिन हम सोचते थे चलो सिविल में कुछ ट्राई करते हैं। एक मंथ रिसर्च करने को यूट्यूब में देख रहा था कि सिविल में कुछ हो सकता है क्या सॉफ्टवेयर, तब आपके बारे में पता चल कि डी इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है, जो बहुत स्ट्रक्चर है ई टैप्स है सभी सॉफ्टवेयर। बाद में वो दोनों के कंपेयर करने के बाद में कन्फर्म हो गया कि ऑटो कैड रिवेट मुझे पसंद है कॉलेज में, चलो इसमें करते हैं। बाद में आपका एक चैनल यूनिक सिविल यूट्यूब से देखे, आपको एक फोन किया था कि ऐसा करना चाहता हूँ, आप बोले ज्वाइन के लिए देखा क्या। आफ्टर ज्वाइनिंग दैट अगेन स्टडिंग बीम स्टार्टेड सर आई थिंक इन फेब्रुवरी दिस ईयर। करेक्ट। बाद में जर्नी ऑटोकैड रिवेट आर्किटेक्चर वो सीखने में बहुत पेशेंस होता सर, मतलब पेशेंस होना चाहिए सीखने में सर। जर्नी उधर से स्टार्ट हो सही है। और तुमने उसके बाद मुझे कुछ अपने पोर्टफोलियो भी दिखाए थे ना कि सर मैंने ये बनाया, तो मुझे याद है तुम्हारा पोर्टफोलियो। ठीक है, तुमने वो शायद वीडियो कोर्स भी लिया था ना अपना BIM वाला ना, उसी में से फिर डाउट लेक्चर हम लोग लेते थे ना। प्रैक्टिस किया ये तुम्हारा मैं देख रहा था। ठीक है, तुम बीच में बोलते सर मेरा चेक कर लीजिए मॉडल, मैं चेक भी किया कई बार तुम्हारा, तो ये तुम्हारा बहुत अच्छा चीज था। और बहुत से लोगों को मैंने ये चीज देखा हुआ है कि लोग वीडियो कोर्स लेके कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, ये तो अभी तो पता नहीं तुम लोग इसको, शायद तुम्हारे साथ भी एक आध बार हुआ होगा बीच में ऐसा। और वहां से एग्जाम भले नहीं निकला बट हमें एक पावर मिल गया कि भाई अभी मुझे करना है। और मेरा मानना यह है कि पहले तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो एक टाइम पीरियड बनाओ कि मैं इतने टाइम में हुआ तो ठीक, नहीं तो मैं स्विच कर जाऊंगा। जैसे तुमने टाइम से कर दिया, कई लोगों को मैंने देखा ना वो 4-5 साल उसी में इन्वेस्ट कर दिए, अब उनका करियर गैप इतना प्रॉब्लम कर देता है कि उनको फिर तुमने तुमसे भी पूछा गया होगा कि 19 के बाद क्या किया ना, वो भी एक जर्नी है सर, वो जो इनके होने के बाद वो एक जर्नी है जॉब सर्च भी करना है। करेक्ट, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है तुमको, तो चलो ठीक है मेरे से तुम्हारी बात हो गई, इसकी वजह से तुमको ये क्लियर हुआ कि चलो BIM भी एक ऑप्शन हो सकता है,
पहले तो बहुत कंफ्यूज। अच्छा बढ़िया। तुम बताओ कि जैसे कि कई लड़के कंफ्यूज होते रहेंगे कि यार स्ट्रक्चर्स में जाऊं कि बीआईएम में जाऊं, तो तुम्हें क्या लगा कि तुमने बीआईएम कैसे चूज किया, कैसे माइंडसेट को बनाया? वो कैसा मैं इंसाइट करता, मतलब जो बीम के बारे में पूरा रिसर्च करना सर, बीम करेक्ट और स्ट्रक्चर करेक्ट बाद में जय गए कि आपको लगता है सिलेबस देख के लगता है मुझे बहुत पसंद है करने का, करेक्ट जो कॉलेज टाइम से जो ऑटोकैड लैब होता है जो हम करेक्ट मिस नहीं करते थे, बहुत करेक्ट पसंद है, करेक्ट जो क्लिक हो जाता है ऑटोमेटिकली, आपको क्लिक हो जाता है क्लिक हो अंदर जाता से है। कि हाँ भाई अगर कोई स्ट्रक्चर चाहे तो उनको ऐसा क्लिक हो जाएगी, मैथमेटिक्स हाँ एनालिसिस करना था उनको बहुत पसंद है करना, इसी तरह हमको भी कैड सॉफ्टवेयर जो ग्राफिक्स है वो पूरा हाँ हमको भी क्लिक हो, हाँ बीम में ही करना है, ट्राई करेंगे बीम में, थोड़ा आई यूनिक आई थिंक जब हमारी तुमसे बात हुई थी तो मैंने तुमको शायद मैंने तुमको बी आई एम सजेस्ट किया, पर मैंने ये दोनों के बारे में बताया जरूर था ना कि है। स्ट्रक्चर्स हाँ भी हो सर सकते दोनों के हैं। बारे में बताया था। हाँ हाँ, सर और मेरा ये मानना है कि जो अगर तुम शायद इसके लिए तुम भी एग्री करोगे कि पहले सर्च करो कि मेरा इमेजिनेशन, पहले इंटरेस्ट मेरा किसमें है, ये सबसे इम्पोर्टेंट हाँ है, सर इंटरेस्ट, हाँ ठीक सर है? इंटरेस्ट और बहुत मैटर करता इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। कई बच्चे मुझे, अभी तुमको बिलीव नहीं होगा, अभी कुछ बच्चे आईटी में स्विच कर चुके हैं, मुझे मैसेज किए हैं कि सर गुरुकुल में मुझे आना है क्योंकि मैं आईटी में स्विच कर गया हूँ, बट अभी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब धीरे धीरे, क्योंकि देखो सीधे सीधे आईटी में बहुत तेजी से एक्सप्लोर हुआ है कोविड के बाद, तुमने हाँ देखा सर। होगा बहुत बच्चे ओके आईटी में चले गए, अब वहाँ पर रिसेशन थोड़ा थोड़ा अपना इन्वायरमेंट हाँ दिखा सर रहा है। तो मुझे अभी आज सुबह एक बच्चे ने कॉल मैसेज किया कि सर आपसे बात हो सकती है क्या, मेरा ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा देखो कि ये लोग थोड़े से दो चार लोगों के इन्फ्लुएंस वाले वीडियो देख लिए और ये कन्वर्ट हो गया आईटी में, अब समझ में आ रहा है कि यार अपना डोमेन नहीं छोड़ना चाहिए, ये मेरा मानना है, हाँ सर, ठीक है? हाँ सर नहीं वो और जो मेरे तो बहुत कंफ्यूजन स्टेट है सर, वो जो 2 साल होता है हाँ जो ये कर रहे हैं क्या छोड़ो, क्योंकि तो एक बच्चे को एक अगर एक मेरा दोस्त है साइट में हाँ उसका एक्सपीरियंस एक अगर उसका बुरा हो गया साइट में हाँ हाँ उसका पर्सनल एक्सपीरियंस वो छोड़ सकते वो छोड़ेगा सिविल, क्योंकि करेक्ट एक और एक दोस्त है एक साइट इंजीनियर लेकिन उसका कंपनी तो बहुत बढ़िया है करेक्ट और 3 साल 4 साल हो भी नहीं छोड़ रहा है, करेक्ट उसका ना एक्सपीरियंस ऊपर ये जाता है सर। करेक्ट है। अच्छा ये बताओ कि जैसे कि तुमने साइट क्यों नहीं चूज किया? साइड क्यों चूज नहीं किया था, वो लॉकडाउन में गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के साथ साथ में मैं दोस्त के साथ जाता था साइड पे, हाँ देखता था उनका काम करने का, बाद में वो सभी ट्राई कर रहा था देखेंगे क्या होता है, क्योंकि हाँ तो कहाँ देखे हुए सब लोग साइड पे करते हैं या स्ट्रक्चर मतलब बहुत कॉमन है सर, कहाँ कुछ देखे अलग हुए। होना हाँ चाहिए था, इसके वजह से तुमने बीआईएम को। इसलिए बीम देखे सर। ओके बहुत बढ़िया। नहीं अच्छा ये बताओ कि जैसे तुम इंटरव्यू दिए तो उसमें कितने राउंड्स हुए थे तुम्हारे इंटरव्यू? ये तुम्हारा कंपनी जो है मिड लेवल कंपनी है कि एमएनसी है, पहले क्लियर करो। हाँ एमएनसी एक कंपनी एमएनसी है राइट? मतलब स्टार्टअप कंपनी है, 18 में फाउंडेड है। तो ओके। और एक आप जर्नी मतलब ये हाँ सर बता सकते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स पे ये लोग वर्क करते हैं? सर, ये कंपनी जो रिवेट आर्किटेक्चर और स्कैन टू बीम में एक हाँ सेक्शन है और कैन टू बीम का अदर सेक्शन है सर, ओके सिर्फ मैं अब स्कैन टू बीम में वर्क कर रहा हूँ। ओके। कंपनी के नाम अगर कंफर्टेबल हो तो शेयर कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है मेरे तरफ से कुछ भी, ठीक है? और तो तुमने अभी कितने महीने हो गए तुम्हें एग्जैक्टली जॉब? 1 महीना हो गया? हाँ सर वो एक बहुत बढ़िया जर्नी है सर, मतलब वो भी एक फ्रस्ट्रेशन मतलब हाँ कैसा बताओ बताओ। जो अटके वो सभी पूरे सीखे ना सर, पोर्टफोलियो हाँ रेडी करके बाद में आपके पास वो जॉब सर्चिंग है ना वो भी एक अलग से जर्नी है, बहुत पेशेंस है सबको भी सर। हाँ हाँ सर वो जॉब सर्च आपने तो बोला अच्छा कि सब नौकरी में लिंक्डइन में तुमने कैसे क्लियर जॉब क्रैक किया, मतलब कैसे मिला तुमको जॉब, कैसे कैसे सर्च किया, थोड़ा उसके बारे में बताओगे अगर याद है तो? हाँ सर बताऊंगा, जो पहले एक इंटरव्यू आया था बैंगलोर से एक, उसमें फर्स्ट इंटरव्यू फेस किया और बाद में उन्होंने बोले स्पेशल नहीं लेते एक्सपीरियंस वाले को लेते, बाद वो एक फेल हो गया, बाद दूसरा एक और बैंगलोर में आया था दूसरा टेक्ला के बारे में डिटेलिंग, वो जाके वॉक इन इंटरव्यू था ओके सो आई अटेंड वॉक इन इंटरव्यू, जाकर अटेंड करके बाद में एक बार उन्होंने बोले वो भी नहीं ले सकते उधर भी फेल हो गया, ओके तो ऐसा फ्रस्ट्रेशन है कि क्या करूँ, ये गवर्नमेंट एग्जाम भी नहीं हुआ बीम भी स्टार्ट किया बीम भी नहीं हो रहा, दो कंपनी में छड़ चुके हैं। ऐसा इतना फ्रस्ट्रेशन मतलब पता नहीं चलता क्या मतलब व्हाट्स गोइंग इन माय लाइफ, वन लास्ट मोमेंट में मैं डिसाइड किया क्या करूँ, चलो चलते साइड को चलते, तो वन लास्ट मोमेंट में पूरा लिंक्डइन में और नौकरी जो जॉब पोर्टल्स है पूरा मैं डालता था कि फुल रिक्वायरमेंट या ना रहे, चूंकि इंटरव्यू एक्सपीरियंस होने के
I was just applying every company, every startup, emailing, personal emailing. अच्छा तो Yeah, I'm जॉब कैसे looking सर्च for. करते थे तुम, लाइक गूगल पे डायरेक्ट डाल के या फिर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाके कैसे करते थे जॉब सर्च? उसका तो तीन तरह सर्च करता था, लेकिन जो स्टार्टअप कंपनी थे और एक लिस्ट बनाता था हाँ गूगल में जाके, स्टार्टअप कंपनी की लिस्ट बना के कंपनी या ऑफिस में या ना रहे पर्सनली ईमेल भेजता था कि आई एम लुकिंग, दे विल रिप्लेस दे नो नॉट राइट नाउ वी नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग. अटेम्प्ट होना चाहिए, अटेम्प्ट करना है कि हाँ हाँ बाद में. और एक तो चीज है जब लिंक्डइन में ऑफिस देखने का, हाँ और लिंक्डइन में हैदराबाद, हैदराबाद हमको क्योंकि कोचिंग में गया था ना, इसलिए हैदराबाद बेंगलुरु पुणे तीन सिटी ट्राई कर रहा था. करेक्ट और वो लास्ट मोमेंट में हैदराबाद से कॉल आया कि ऐसा है आपके, देखिए आप पोर्टफोलियो, सो वी वांट टू अटेंड, यू शुड अटेंड टेस्ट कर, बोले वॉक इन इंटरव्यू था. करेक्ट सो नेक्स्ट नेक्स्ट डे जाके टेस्ट दिया. सो टेस्ट में क्या था, मतलब उस टेक्निकल टेस्ट था, ऑटो कैड और रिविट आर्किटेक्चर जो टूल था, टेस्ट था कि ऑब्जेक्टिव रेपोजिशन वगैरह कुछ ऐसा था? ऑब्जेक्ट टेस्ट टूल टेस्ट था, ये ओके ओके मॉडलिंग बना था. हाँ मॉडलिंग करना था। ओके वो एक पीडीएफ में देते हैं रफ स्केच, जनरली क्या और था हमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो तो लोगों को हेल्प रहेगा कि ऐसा कुछ हम तैयार करके जाएं। सर मतलब जो प्लानिंग रहता ना पूरा हाँ बेसिक्स, मतलब यूजुअल बेसिक बहुत प्लान देते हैं. हाँ हाँ जो पीडीएफ में रफ स्केच रहता है ना सर, डाटा में अज्यूम करना होता है, करेक्ट मतलब एक रफ प्लान देते हैं. वो रफ प्लान में एक ऑटोकैड लिए, एक रफ प्लान देते हैं ऑटोकैड में, वो मॉडलिंग एक मॉडल का 2D प्लान डालना था घर का. करेक्ट सो नेक्स्ट रिविट आर्किटेक्चर के एक मॉडलिंग देते हैं कि रूम देखे, एक स्टेयरकेस, रेलिंग्स को कैसे डालते हैं अपने, वो सभी वो एक टेस्ट था. सर करेक्ट और तुमने उसको ऑटोकैड अगर मैं प्रोग्राम में ड्रॉ कर आऊंगा, दिया। हाँ सर ऑटोकैड और रिविट आर्किटेक्चर स्टार्टेड किया ओके मैं, क्यों आपको ये बहुत लेट से बता रहा हूँ सर, क्यों का तो जो कंपनी में सेलेक्ट हुआ ना, हाँ उन्होंने इंटर्न करके लिए, उन्होंने हाँ बोले कंफर्म नहीं है आपको, कंफर्म नहीं है एम्प्लॉयबिलिटी. सो मैंने क्या सोचा, आपको कंफर्म होने के बाद बताऊं. हाँ ओके तो मतलब तुम अभी कंफर्म हो गए इसलिए मुझे तुमने सोचा आप सर को मैसेज सर, करता हूँ। अगर ऑलरेडी 3 मंथ्स हो गए सर, 3 मंथ. ओके ग्रेट 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 कुल मिला के वो एक्चुअली उन्होंने बोला कि देखते इसका परफॉर्मेंस कैसा है उसके हिसाब से डन करेंगे राइट। हाँ सर इसके हिसाब से कंफर्म कर दिए, इसलिए दे कंफर्म रजिस्टर्ड सर, दे आई करेक्ट थिंक सो आई गॉट. ओके ग्रेट तो मतलब कुल मिला के तो अभी अभी तुम कुछ और अपग्रेड कर रहे हो कि नहीं? क्योंकि देखो सीधी सीधी बात है बाकी एक अचीवमेंट हमारा हो गया ना तो नेक्स्ट अचीवमेंट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। हाँ ठीक है सर, हाँ सर, ठीक नहीं है वो नेवर एंडिंग है सर. जो भी मैं वो जो जॉब करने के बाद ट्रेनिंग में पता चला, हाँ सिर्फ हमें जॉब ही करते हैं सिर्फ कुछ नहीं सीखेंगे, सिर्फ करेक्ट वही वहाँ उधर भी कंफर्ट जोन हो जाता है करेक्ट बाद में. बहुत है सर सीखना, ऑटो कैड, रिविट हाँ आर्किटेक्चर, टिकला सीख ऑटोडेस्क का सकते जो हो सॉफ्टवेयर है, हाँ सर नेविस वर्क, नेविस वर्क सीख अभी सकते हो बहुत सीखना, हाँ सीखने का बहुत है सर, वो तो सीखने पता, का वो तो क्लियर हुआ है सर. हाँ। तो ये देखो एक चीज मेरे को ये पता है कि बीआईएम में मुझे क्यों अच्छा लगता है, मैं लोगों को क्यों बीआईएम बोलता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि इसमें सीखने को इतना कुछ है कि मतलब खत्म ही नहीं होता हाँ सर, नहीं हाँ सर हाँ। खत्म नहीं होगा. तो दो इस तरीके होते हैं सर, जैसे कि एक सीनियर्स लेते हैं सिर्फ वही काम करते रहे, कुछ नहीं सीखे, अब करेक्ट उधर ही मतलब आपको ग्रोथ नहीं होगा, उधर ही ये हो जाता है. करेक्ट नहीं ये तो मैंने भी ऑब्जर्व किया हुआ है कि बीआईएम में आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और क्या बोलते हैं जैसे जो अपना वीडियो कोर्स था ठीक है उसका ऑनेस्टली रिव्यू दो उसमें सो कुछ हेल्प मिला क्या तुमको? हाँ बहुत हेल्प हुआ है सर, बहुत हेल्प मिला क्योंकि देखो ऑनेस्ट गूगल ऑनेस्टली इट्स हाँ हाँ सर, बोलो बोलो ऑनेस्टली उसके हिसाब से वो जो करियर बनाते हैं, जॉब में ट्रेनिंग में मैं काम करता हूँ ना, पूछते थे आपको कैसा पता इतना पूरा, हाँ हाँ सर दे वर आस्किंग यू हाउ मच यू नो दिस ऑल दिस थिंग्स, आई शुड से दैट देयर इज अ यूनिक सीनियर, दे जनरली थॉट दैट आई हैव 50,000 1 lakh rupees. आई ओके टोल्ड देम नॉट नॉट लाइक दैट, जस्ट आई गेव 3,000 आई थिंक. अच्छा कई लोग ऐसे करते हैं ना मुझे कई लोग मैसेज करते हैं कि सर लाइक आपका जो फी है इतना कम है क्या आपने कुछ क्वालिटी में कम कर रखा है क्या? तो मैंने बोला यार इट्स नॉट लाइक कि क्वालिटी इज लाइक कि जरूरी ये होता है कि भाई वो फी रहे क्योंकि देखो अभी तुम गवर्नमेंट जॉब कर की तैयारी कर रहे थे और घर से अगर तुमको 1 लाख हाँ मांगना होता तो आई डोंट थिंक तुम्हारे घर वाले 1 लाख अलाउ करते।
आंसर ठीक है, तो फिर बहुत मुझे 100% ट्रू। हाँ 100% ट्रू। फिर इस चीज को लोग क्या, कुछ चीजों को लोग प्राइस से कैलकुलेट करने लगते हैं। आई थिंक प्राइस पे नहीं जाना चाहिए, ये देखना चाहिए कि सामने वाला क्या इंटेंशन। मेरा इंटेंशन है कि अभी देखो तुम कितना परेशान थे, अगर मुझे याद है तुम्हारा फर्स्ट कॉल मुझे याद है अच्छे से, ठीक है। तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, ठीक है। तुम बोले कि सर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर अब समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। और तो फिर मेरे मुझे ये समझ आया कि भाई सीधे सीधे BIM में एक और अच्छी चीज़ पता है क्या सुहाग, कि थोड़ा सा अगर कैरियर गैप भी है ना, या फिर दूसरे डोमेन में भी काम किया तो मैनेज हो जाता है BIM में। हाँ, हाँ, और अब बताओ कि पोर्टफोलियो का क्या रोल रहा है तुम्हारे उसमें जर्नी में, पोर्टफोलियो से कुछ फायदा हुआ? सर जनरली जो पोर्टफोलियो और रिज्यूमे बहुत हेल्प हुआ कि वो जो शॉर्ट आउट करते हैं वो हाँ शॉर्ट आउट बताएगा पूरा बताए इनको। बाद करेक्ट, में टेस्ट होने के बाद जो ट्रेनिंग फील्ड है वो बोलते हैं कि काम करने का दूसरा तरीका है, मतलब सीखने हाँ का बहुत है। और तो उनको उनका कंपनी का जो उनका पर्सपेक्टिव है काम तरीका उसके हिसाब से करते हैं। करेक्ट है। और ये तो मुझे भी, क्योंकि देखो पोर्टफोलियो से ना एक चीज होता है कि कंपनी को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार अशफाक को आता है कि नहीं ये काम, उसका देख के ही समझ आ जाता है ना। हाँ तो सर, हाँ सर, वो क्या है ना, अब मार्केट करना होगा हमारा पोर्टफोलियो लिंक्डइन हाँ में। अब जैसे कि आपने बताया हाँ कि अगर वो सामने से कई लोग नहीं पूछेगा आपका पोर्टफोलियो, करेक्ट लेकिन जो एंड ऑफ द इंटरव्यू में आपने खुद पूछना चाहिए, परमिशन पूछना चाहिए, सर कैन आई शो यू माई पोर्टफोलियो, करेक्ट, वो इंटरेस्ट दिखाना चाहिए इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सर। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो कहाँ, जहीं जहां पर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट है, वो पोर्टफोलियो कवर कर सकता है आपका आंसर ना। स्किल है आंसर। हाँ, आप लास्ट में तो मुझे, मतलब मुझे नहीं, लोगों को बताओ कि क्या पढ़े कि एग्जैक्टली उनका BIM में अगर वो करियर बनाना चाह रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाए, किस चीज पे ज्यादा फोकस करें? तो ये मतलब बिल में जो करियर बनना चाहते हैं उन लोगों को बताऊं कि पूरा सॉफ्टवेयर सर का जो रिकॉर्डेड वीडियोस है हाँ अच्छी तरह से सीखने का, वो प्रैक्टिस बहुत करना है, पेशेंस होना है, बहुत प्रैक्टिस बहुत जरूरत है। फ्रस्ट्रेटेड जो आज कौन करेगा प्लान, ऐसा नहीं करेक्ट करने का, करेक्ट मतलब अगर आज बोर हो गया, प्रैक्टिस करने का मन नहीं है, हाँ लेकिन जो एक ब्रीथिंग बायलॉज है थियोरेटिकल है करेक्ट जो वो पढ़ना चाहिए, एक एटलीस्ट डेली 1 आवर 2 आवर्स यू हैव टू स्पेंड प्रैक्टिसिंग प्लानिंग, प्रैक्टिस सो सिस्टमेटिकली पढ़ना सर। आफ्टर ऑटो कैड एट्रिब्यूट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमईपी, ये बहुत काफी है सर। करेक्ट, जॉब मिल सकता है, इससे जॉब जॉब मिलने मिल के जाता भी है। सर्चिंग कर लो, हाँ पेशेंस बहुत करना है कि बहुत पेस फेलियर होने के बाद क्विट होने के भी लगता है एक बार, लेकिन मिलता है, मतलब ट्राई करना है हमें। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं कि दो तीन मॉडल बना लेते हैं तो उनको लगता है मुझे सब आ गया है, ये नहीं सब सर, नहीं सर, ना। अब जॉब वो ट्रेनिंग करने के बाद मैं खुद भूल गए हूँ कि मॉर्निंग करियर का एमसीएफ को हाँ प्लानिंग और फिर से कट जाता है, बहुत तो डेंजरस और वो नहीं करेक्ट छोड़ने का। करेक्ट। तो कुल मिला के तुम ये बोलना चाह रहे हो कि भाई ऑटो कैड और रेबिट का अगर अच्छा नॉलेज है, और मुझे ऐसा लगता हाँ है कि इसके सर, साथ अगर टेक्ला भी अगर ऐड कर लिए तो और हाँ ज़्यादा सर, हाँ तुम्हारा, सर, हाँ, टेक्ला, हाँ तो तुम्हारा ये काम जो होगा बहुत अच्छे से हो जाता है। और मैंने इसी कॉन्सेप्ट सर, से, अब एक्चुअली क्या होता है ना कि मैंने देखा कि तुम तो वीडियो कॉल से बहुत कंसिस्टेंट थे, तुम्हारा काम हो गया। बहुत से लोग कंसिस्टेंट नहीं थे, इसकी वजह से मैं गुरुकुल लेके आया कि गुरुकुल से एटलीस्ट कैसे होगा कि 4 महीने तुम मेरे टच में रहोगे, ठीक है। और हाँ सामने सर, वो डेली तो है, डेली अगर अशफाक को रिपोर्ट करना है कि कल क्या किया, तो सीधी सीधी बात अशफाक को शर्मा के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बस सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ सर, हाँ सर, वो तो तो है सर, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस इज द किंग, ना मेरा रोल है ना हाँ तुम्हारा रोल सर, है, सिर्फ प्रैक्टिस का रोल है। आपका गाइडेंस बहुत हेल्प है सर, गाइडेंस वेरी इंपॉर्टेंट हाँ, है, गाइडेंस गाइडनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइड से क्या होता बहुत, है, मुझे ऐसा लगता है गाइड से काम जल्दी हो जाता है, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। अगर मान लो कि अभी तुमने, जैसे कि अभी तुम जॉब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट किए थे, अभी अगर तुम साइट पर चले गए होते तो ऐसा नहीं कि तुम जॉब नहीं पाते, बट उसके बाद फिर तुमको वापस आना पड़ता, फिर वो गाइड में प्रॉब्लम हो जाता है ना। हाँ सर, चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे, एक्चुअली सच बताऊं बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारा जॉब सिलेक्शन हो गया। और एक तुम्हें अगर याद हो तो मैंने तुमको बोला था कि अब तुम्हारा लेवल आ चुका है, बहुत पहले ही मैंने तुमको बोला हाँ था सर, एक, बोले था सर, याद है सर, ठीक है। पोर्टफोलियो देखेंगे, प्रैक्टिस देखा आपने बताया था। हाँ, कि एक्चुअली ना पोर्टफोलियो देख के हमें, या फिर जो भी मेंटर होते हैं उनको आइडिया लग जाता है कि अब आपका लेवल अप टू द मार्क है कि नहीं। और मुझे तुम्हारा पोर्टफोलियो देख के लग गया था कि अब वो तुम हो, बस वो था कि जब किस्मत थी तब हुआ, ठीक है। और थोड़ा हाँ सा सर, टाइम लगा, चलो बढ़िया। तो तुम्हारा ये हैदराबाद में ही तुम्हारा जॉब लगा, राइट? हाँ सर, हैदराबाद में ही तो लगा तुम्हारे घर से कितना दूर है ये डिस्टेंस?
दूर नहीं सर, क्योंकि वो बहुत हेल्प आया दूसरे एम्प्लॉय से, उधर एक रूम मिला 10 मिनट है वॉक वाले से, अच्छा 10 मिनट पे ही है, ठीक है। तो हैदराबाद में अगर मतलब किसी किसी को लाइफ सर्वाइव करना है एज अ बैचलर, तो क्या 10,000 सफिशियंट रहता है उधर का खर्च करने के हाँ लिए? सर बहुत सफिशियंट है, बहुत सफिशियंट है। टेन अच्छा थाउजेंड मतलब उधर रेंट पूरा पीजी में तो 5-6 हज़ार में रहता है सर, 5-6 हज़ार, तो 2,000 पांच रुपये दस एक्स्ट्रा पकड़ लो। हाँ सर हाँ सर, अब तो हैदराबाद में तो पूरा बिर एक हैदराबाद में वॉकेबल बर डिस्टेंस रहता है सर। बिरयानी अगर हैदराबाद में नहीं खाते तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो फिर लोगों का थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा तो हाँ हो जाता होगा। सर, फूड फूड एडजस्ट नहीं होगा, फूड हाँ, सबको। हाँ तो मतलब कुल मिला के एज अ बिगनर अगर उनको मुझे लगता है कि अगर 15-20-25 तक में करियर स्टार्ट हो जाता है तो उनको कर लेना चाहिए, क्योंकि 10,000 एक्सपेंस में काम हो जाएगा उनका ना। हाँ सर, काफी जो मेरे जैसे जो बहुत ईयर गैप है हम हाँ सोचने नहीं, जॉब मिले तो बस है उनको, अभी हाँ और ये और एक नया हाँ, बोलो चांस बोलो जॉब बोलो, मिलने के बाद तुम और कुछ लोगों को बोलना चाहते हो तो तो अपने दिल की बात बोलो, थोड़ा ये समझो कि तुम्हारे सब छोटे भाई बहन हैं, तो कुछ उनको गाइड कर सकते हो। सर वही बोलता हूँ, मतलब जो हमारे जैसे जो ईयर जो बोल सोचते कि उतना दूर कि कौन जाएगा, इतना दूर कौन जाएगा, लेकिन जाना पड़ेगा सर, जो जॉब मिलना है कि बहुत मुश्किल है फ्रेशर्स के लिए, जो करेक्ट, हमारे जो ईयर गैप होते हैं 3 साल 2 साल ईयर गैप, बहुत मुश्किल है। अगर आपको मिल गया जॉब दूर में मिल गया तो 1 साल काम करके एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके करेक्ट, आपके नेटिव प्लेस पे आ सकते हैं, वो बहुत पॉजिटिव, करेक्ट, इसलिए मैंने सोचा कि हाँ चलो सर आप हैदराबाद चलते अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा सीख के वापस आ सकते सर। करेक्ट है। और उसे क्या होगा कि अब सामने जब नेक्स्ट कंपनी में जाओगे वो ये नहीं कहेगा कि पीछे तुम्हारा बड़ा कैरियर गैप था, वो तो बोलेगा अभी लास्ट कंपनी में क्या कर रहे थे, हाँ ठीक हाँ है। सर हाँ सर, वो बहुत रोल ऑफ इम्पोर्टेंट है, करेक्ट है, करेक्ट है, चलो थैंक कोई यू कंपनी सो। का हाँ रिजेक्ट नहीं करने का सर, जो इंटरव्यू अटेंड पूरा सब इंटरव्यू अटेंड करना होगा। करेक्ट, मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी तो वैसे तुम्हारे जर्नी से मुझे मैंने ये देखा है कि अगर हम किसी चीज में थे, अगर वहां पर हमें सक्सेस नहीं मिला तो शायद दूसरे जगह हो सकता है अब तुम्हें BIM में ही सक्सेस 1.5 साल में मिलता चला जाए, ठीक है। हाँ और सर मैं तुमको ये बोलूंगा कि तुम अभी टिकला और नेविस्वर पर फोकस करना, ठीक है। हाँ और सर 1 साल जैसे ही हो उसके थोड़ा पहले ही बड़ी बड़ी एमएनसीज में अप्लाई करना, और कम्युनिकेशन का ध्यान देना, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्या बोलते हो? हाँ सर, कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल सर वो। मैंने BIM में देखा है कि अगर BIM में अगर 3 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो तो आधा घंटा कम से कम कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके सर, तो आई मतलब आपने तो तुम्हारा तो ठीक है, मतलब मैं दूसरों को बोल रहा हूँ कि अगर वो लोग कर रहे हैं तो अगर वो कम्युनिकेशन का ध्यान रखेंगे तो उनका और ज़्यादा चांस रहेगा बड़ी से बड़ी एमएनसीज में, है कि नहीं? हाँ सर हाँ सर, और सर क्यों अगर मैं जो काम कर रहा हूँ जो लोकल पीपल है, लेकिन ज्यादातर इंग्लिश में बात करें उनका कंफर्ट जोन है उनका, लेकिन हम जो बाहर से आते हैं तो हम कम्युनिकेशन सीखना पड़ता है सर। करेक्ट है। और खास तौर से मैंने देखा कि सिविल वगैरह में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा वीक रहता है लोगों का, और उससे भी चांस कम हो जाता है हाँ सर सिलेक्शन हाँ का, सर है हाँ ना? सर हाँ सर चलो, तो तुम्हारा नेटिव लैंग्वेज क्या कन्नड़ है? कर्नाटक का सर, हाँ, तो जो हैदराबाद हाँ 14 आवर्स जर्नी हाँ हाँ अभी वो तुम्हारे यहाँ की जो एक मूवी निकली हुई है, मैं अभी परसों देख के आया, सैटरडे और थर्सडे को, हाँ कांतारा कांतारा, कांतारा बहुत हाँ सर कल्चरल मूवी है, जाके देखना, हाँ काफ़ी सर अच्छी बहुत मूवी है, कर मैं भी देख के आया हाँ सर कल देखे सर कल आज। हाँ अच्छा, तुम कल देखे, मैं थर्सडे को देख के आया, और क्या बोलते, हाँ काफ़ी मज़ा, मतलब उसमें वो सब पूरा देखा तो बड़ा अच्छा लगा, कि क्योंकि उसमें ना कल्चर टच था तो अच्छा लग रहा था। हाँ सर बहुत कल वो कोस्टल का एरिया का कल्चर हाँ है सर हाँ पूरा हाँ हाँ कर्नाटक का। करेक्ट, तो तुम लोगों ने तो देखा भी होगा और रियल में भी देखा होगा, और मूवी में तो मैंने पहली बार देखा, मुझे अच्छा लगा। चलो ठीक, मूवी का भी प्रमोशन हो गया हम लोग के माध्यम से। ओके चलो, थैंक यू सो मच अनुशिभा, होप तुमको भी अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सर ठीक है। चलो, अब मैं ओके ये सर एक्सपेक्ट करूंगा कि जल्दी से एक और जॉब लो और बड़ी कंपनी में, फिर हम लोग हाँ इंटरव्यू सर करेंगे एक बार और लोगों को मोटिवेट करेंगे, ठीक है? हाँ सर हाँ सर ओके चलेगा, थैंक थैंक यू सो यू मच, सो मच सर ओके। थैंक यू।